इसकी आशंका कई दिनों से जताई जा रही थी। मंडी के 6 मील में पत्थर गिरने से एक गाड़ी क्षतिग्रस्त होगी और उसमें बैठे लोगों में से एक बच्चे की दुखद रूप से मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। घटना थोड़ी देर पहले की है। एक आल्टो कार 6 मील के पास से क्रॉस हो रही थी, जिसमें 2 बच्चे, एक महिला और एक सवार और था। ये 4 लोग इस आल्टो कार में जा रहे थे, अचानक पहाड़ी के ऊपर से पत्थर आए, जिसके चलते गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और एक बच्चे को अत्यधिक चोटें आई, जिसके कारण उसने दम तोड़ दिया। हालांकि प्रशासन ने बच्चे को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिशें सिरे नहीं चढ़ पाई और बच्चे को बचाया नहीं जा सका। बाकी 3 लोगों की हालत भी गंभीर है और इस वजह से वहाँ स्पॉट पर बहुत लंबा जाम भी लगा हुआ, जिसे खुलवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब लगातार यहाँ पत्थर गिर रहे थे और दिन में ही ये जो स्पॉट था वो खतरनाक था, तो रात में यहाँ ट्रैफिक क्यों अलाउ की जा रही थी? अब प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका कई दिनों से जताई जा रही थी। मंडी के 6 मील में पत्थर गिरने से एक गाड़ी क्षतिग्रस्त होगी और उसमें बैठे लोगों में से एक बच्चे की दुखद रूप से मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। घटना थोड़ी देर पहले की है। एक आल्टो कार 6 मील के पास से क्रॉस हो रही थी, जिसमें 2 बच्चे, एक महिला और एक सवार और था। ये 4 लोग इस आल्टो कार में जा रहे थे, अचानक पहाड़ी के ऊपर से पत्थर आए, जिसके चलते गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और एक बच्चे को अत्यधिक चोटें आई, जिसके कारण उसने दम तोड़ दिया। हालांकि प्रशासन ने बच्चे को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिशें सिरे नहीं चढ़ पाई और बच्चे को बचाया नहीं जा सका। बाकी 3 लोगों की हालत भी गंभीर है और इस वजह से वहाँ स्पॉट पर बहुत लंबा जाम भी लगा हुआ, जिसे खुलवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब लगातार यहाँ पत्थर गिर रहे थे और दिन में ही ये जो स्पॉट था वो खतरनाक था, तो रात में यहाँ ट्रैफिक क्यों अलाउ की जा रही थी? अब प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका कई दिनों से जताई जा रही थी। मंडी के 6 मील में पत्थर गिरने से एक गाड़ी क्षतिग्रस्त होगी और उसमें बैठे लोगों में से एक बच्चे की दुखद रूप से मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। घटना थोड़ी देर पहले की है। एक आल्टो कार 6 मील के पास से क्रॉस हो रही थी, जिसमें 2 बच्चे, एक महिला और एक सवार और था। ये 4 लोग इस आल्टो कार में जा रहे थे, अचानक पहाड़ी के ऊपर से पत्थर आए, जिसके चलते गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और एक बच्चे को अत्यधिक चोटें आई, जिसके कारण उसने दम तोड़ दिया। हालांकि प्रशासन ने बच्चे